यूपी में नए सिरे से बूथ कमेटियां बनाए की भाजपा, अब 21 की जगह 11 सदस्यों की होगी समिति। फार्मा हब बनेगा यूपी, रोजगार मिलने के साथ ही दवाओं के परिवहन पर होने वाला खर्च भी बचेगा। यूपी में रोजगार के लिए 3 लाख युवाओं का होगा कौशल विकास, बजट में मिले 150 करोड़। अनुशासनहीनता के आरोप में ईडा के प्रबंधक ब्रजेश कुमार अग्रहरी निलंबित, मंत्रिमंडल ने की कार्यवाही। नगर निगम की केंद्रीय कार्यशाला के सामने लगी आग, 40 गाड़ियां जली, दमकल विभाग ने पाया काबू। बलिया में शादी के 3 दिन बाद दी जान, संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली विवाहिता की लाश। यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बाघ की दहाड़ से सहमे लोग, कैमरे में कैद हुई चहलकदमी। वाराणसी में संदिग्ध परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के उपकरण और सामान जल कर गिरे। 2 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री, कल आयुर्योग एक्सपो में लेंगे भाग। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर काशी विश्वनाथ धाम में मिलेगा प्रसाद, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकेंगे।